तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि कल मिलते हैं, और वो कल मेरे हिसाब से आज है, और अगर मैं सही हूँ तो आज के व्लॉग की भी शुरुआत कर देते हैं। तो बाबा लोगो, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमारे गुरु जी ने बताया कि आज हम किसी झील का दौरा करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उस झील का क्या सिस्टम पानी है और रास्ते में क्या होता है। चलिए चलिए देखते हैं, मजा आएगा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और मेरे साथ गौरव भाई बैठे हैं। गौरव भाई बोलो। खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं हम अभी। खूबसूरत सी लेक देखेंगे और जगह तो ये भी खूबसूरत है। ये जगह भी बहुत ही सुंदर है, बस थोड़ी सी गर्मी है, इसलिए आप प्लान करें तो प्लीज अप्रैल के भी पहले आए, मार्च में। सर्दियों में आए, सर्दियों में गाइस फुल ऑन सर्दियां पड़ी हो तो भी आए। आप हिमाचल आते हैं, हिमाचल से ज्यादा आप हम तो यही प्रेफर करेंगे कि सर्दियों में आना, क्योंकि गर्मियों में तो पूरी हालत हो जाती है। और बाकी व्यू देख सकते हो, और बाकी कुछ मिलाता हूँ। कनिका पीछे आपको बोलने देख लीजिए, रोहिणी लोग सभी का यही मानना है, बस गर्मी है, गर्मी गर्मी है, गर्मी है, बस सभी ऐसे बोल रहे हैं। बाकी वहाँ मिलते देखते हैं ना, वहाँ मिलते देखते हैं। मनीष भाई हेलो भाई, हाय, हेलो। अरे नहीं दिख रहा है वो, शगुन ब्रो रहेगा, शगुन ब्रो, प्लीज रिव्यू कीजिए आपको कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम जा रहे हैं, ट्रिप पे सीरीज आ रही है 7 दिन की गाइस, शादी लग रहा है ब्लॉग साइड। और गाइस मैं पंजाबी, यहाँ पे इस प्रेशर में मेरा मत करना यार शिवम, नहीं। और गाइस इस उसमें क्या था, तूने वो गाइस लास्ट वाला पार्ट तो आया। और गाइस इस ट्रिप में मैंने पंजाबी बोला सीख लिया, अच्छा वो मैंने सोचा कि अभी पहला वाला मैंने पंजाबी बोला सीख लिया। सत श्री अकाल सोने वालों की हालचाल। तो आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्टिंग लोग जा रहे हैं हमारे साथ, और सबसे इंटरेस्टिंग है हमारे ब्लॉगर साहब। इनको जल्दी से जल्दी इनका कंटेंट देखिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आप देख रहे हो नहीं किया है तो करो, सर को बताया सर, कृपया करके सपोर्ट करो। रुकिए 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 एक मिनट, तो यहाँ आपका भाई व्लॉगिंग से विराम ले लेता है और हमारे गौरव भाई अब कैमरा संभालेंगे, तो चलिए देखते हैं वो कैसा कंटेंट देते हैं हमें। सर प्लीज बोलो, बोलो, चलो आगे चलो भाई, चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो। गाइस 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 बोलना है, तैयार रहना चाहिए। माम ब्लॉग बन रहा है, कुछ बोलो माम। यहाँ स्टे तो बहुत अच्छा है एंड वी आर एंजॉयिंग। मैम एंजॉय, हम तुमको एंजॉयमेंट करवाने के लिए लेके आए हैं। ट्रेन का सफर कैसा रहा तुम्हारा, वो बताओ। ट्रेन वाला एक न्यू एक्सपीरियंस था। एंड कितने लोग थे? मैक्सिमम बच्चों के लिए था ये। चलो अच्छी बात है, और भी आगे भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ही आने वाले हैं तुम्हें। यस मैम, कीप एंजॉयिंग देम, बस उन्हें नीचे रहो, करते रहो, कवर अप करते रहो सारा कुछ। यस मैम, गाइस प्लीज से समथिंग, बहुत अच्छा रहा अभी तक एक्सपीरियंस। यस शबनम से समथिंग इन द ब्लॉग, से समथिंग इन द ब्लॉग, से समथिंग, से समथिंग। ठीक है, गानों की फरमाइश आई है। इससे समथिंग सर, अब हम आ गए तो आप जाइए। आपको कुछ बड़ी खुशी हो रही है? बिल्कुल, तो खुश रहिए। धन्यवाद, और रहने दीजिए। देख लीजिए ये सब हैं, और ये मैं शक्ले कोई भी नहीं देख ना, ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा। वाह गौरव भाई मान गए,
आप में हिम्मत तो है? तो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, आपको मैं यहाँ से एक सीक्रेट व्यू बताता हूँ। तो वो व्यू कुछ ऐसा है, मैं बताता हूँ गाइज। व्यू देखो गाइज, खतरनाक व्यू रखा है। और देखो स्काई डाइविंग वगैरह सब कुछ है, खतरनाक ही सीन है। और लेक 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 गाइज देखो भाई, ये देखो गाइज, वाओ भाई खतरनाक सीन हो रखा है यहाँ पे। तो ये है राजस्थान का, तो ये है राजस्थान, देख सकते आप क्या ही सीनरी है यहाँ से भाई। फोटो शूट करने का मज़ा आ जाएगा लिटरली बताऊँ तो। तो अभी सारे यहाँ पे आए हैं, तो गाइड हमें कुछ समझा रहे हैं, देखते हैं क्या समझा रहे हैं गाइड। गाइड तो बढ़ा चढ़ा कर बताएगा, मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा, तो चलिए सुनो फिर। तो गाइज अभी हमें गाइड ने बताया कि जो ये लेक है ना, ये अराउंड मतलब पूरा जो सर्कल हम मतलब इसमें घूमेंगे 7.5 किलोमीटर का है, और जो इसकी डेप्थ है वो है 26 फीट। तो अभी हम थोड़ी बहुत टिकट्स लेंगे और शायद बोटिंग करने का सोच रहे हैं, देखते हैं बोटिंग करेंगे। और बाकी तो भीड़ तो हो चुकी है, और वो देखो गाइज बोट जा रही है, खतरनाक ही भाई। व्यू तो बड़ा अच्छा है गाइज, मतलब यहाँ आना ना तो मतलब ठीक है, बर्थ इट है यहाँ आना, मेरे हिसाब से तो बर्थ इट है। बट आप आना चाहो तो प्लीज़ सर्दियों में आना, गर्मियों में क्योंकि बड़ी ज़्यादा मतलब गर्मियाँ भी देख लो, अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जा पहुँचा है। तो अगर कल और ज़्यादा इससे टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो बस प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत गर्मी के कारण। और पिंपल्स वगैरह देखो गाइस, मेरे तो पिंपल्स से मुँह भर गया गर्मी के कारण। तो अभी तो मैं लोशन वगैरह सब कुछ लगा के आया हूँ ताकि स्किन मेरी बच सके। और बाकी देखते हैं, करते हैं इन्जॉय, और मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर में। गाइस अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं, बोटिंग का देखते हैं क्या है। वैसे मन तो उसका था जो मोटर वाली होती है, जैसे शूट करके जाती है, बट नॉर्मल में बैठना पड़ेगा। तो एक ये ही है, और यहाँ पे लड़कियों से भर चुका है सारा। तो अब हम अलग वाली देखते हैं, दूसरी वाली देखते हैं, उसमें देखेंगे तो मज़ा आएगा। पर जो गाइस मोटर वाली में मज़ा है ना, मोटर वैसे शूट करके जाती है जेट की तरह, उसमें आता है मज़ा। तो उसकी टिकट भी 150 रुपये थी, बट मैम ने मना किया, बोलते नॉर्मल करेंगे। तो चलो नॉर्मल में बैठते हैं, मारते हैं गेड़ी शेड़ी बोर्ड में, और फिर मिलते हैं आपको जल्द ही। बल्ले 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 बल्ले। गौर भाई बताओ, अभी हम जा रहे हैं बोट में, और बोट लग रही है बहुत ही मज़ेदार। अरे उसमें आना था मज़ा जेट वाली में, क्या बोलता वो वाली जेट वाली क्यों भाई, ये वाली गाइस इसको बोल रहा हूँ मैं, जेट वाली को भाई, इसमें खतरनाक ही मज़ा आना था। इसका मतलब 150 रुपये की है, 150 का इसकी टिकट है। और अब मैं भी बैठ जाता हूँ गाइस, मेरे को जगह करो भाई। बोटिंग तो की, बट इतना मज़ा आया नहीं, ऐसा लग रहा था कि साइकिल चला रहे हैं हम। और स्पीड बोटिंग करते तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता, बट क्या करें, ठीक था। ये भी 89 रुपीज़ की इसकी टिकट थी, और ठीक था। बट मैं ये प्रेफर करूँगा, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो स्पीड बोटिंग ही करिए, उसकी प्राइस है 250, थोड़ा महंगा बट मज़ा फुल आएगा, और वही है मेन बात। और ऊँट वगैरह है, देख सकते हो आप व्यू कुछ ऐसा है, और इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। अभी प्यारा व्यू होगा क्योंकि सनसेट हो रहा है ना, तो अभी प्यारा व्यू होगा। और अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है क्योंकि अकेले में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं आना चाहते मेरे ब्लॉग में, शर्मा रहे सारे, तो मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं। तो बनाते हैं अभी ब्लॉग्स लगातार, आपको 7 दिन एंटरटेन करना मैंने, तो ये चैलेंज ही है मेरे लिए एक तरह का। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद से। तो गाइज अभी चलते हमें हो गया कोई 10 मिनट, और हमारी बस बड़ी आगे लगा दी है गाइज, 1 किलोमीटर पीछे हमें मतलब पैदल चल के जाना पड़ रहा है। नक्षिता थक गया ना, गलत किया यार कॉलेज वालों ने, पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी भी नहीं गाइस, प्यास लगी है, मर जाएंगे हम इधर ही राजस्थान में। सो गाइस हमें
15 मिनट हो गए गाइस चलते, और हमारी बस पता नहीं कितनी आगे चले गई है और पैदल चलना पड़ रहा है, और पानी पिला जा रहा साथ, बड़ी प्यास लगी है यार। बिना पानी के गाइस यहाँ पे बड़ी मुश्किल है, इतनी गर्मी है, इतना हाई टेम्परेचर है। आपको जाट से मिलाते हैं, जाट भाई, जाट भाई, बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और एक तुम्हारा ड्राइवर, वो क्या बोल रहे उसको पता नहीं, कहाँ रामू काका कहाँ गए, चले गए आगे, अब हम जा रहे हैं अपने ड्राइवर साहब। मैंने शेट्टी दे ड्राइवरी सीखा, तो चलते हैं आप बस के पास बैठते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। मेरे को लगता है कि आगे जाएंगे, वापस ही जाएंगे होटल में, देखते हैं। मैं आपको एक छोटे से कंटेंट क्रिएटर से मिलाता हूँ, तमन्ना। तो इसने अपना चैनल शुरू किया, क्या नाम है चैनल का, सर्च करके नहीं मिलेगा, कोई नहीं, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो बाकी कुछ बोलना चाहोगे, अभी हम चलेंगे भाई, इनके मुंह देखो लाल हो गए इसका टमाटर बन गया नहीं बताता, ये थोड़ा अपने इंग्लैंड से है, थोड़ा इंग्लैंड से है, जरा रशिया से, रशिया भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया। और बैक टू कंटेंट में आते हैं, तो आराम से आराम से, हाँ। और बाकी अच्छा कंटेंट है, बढ़िया है। विपुल भाई बोलोगे कुछ, हम तो छोटे मोटे आदमी, छोटे मोटे क्या यार, छोटे इतना बड़ा तू ठेला, एक कट कर लिए मत लेना ये कट ही कर दियो ये मत बोलता, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बस में बैठते हैं। और हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भूल गई कि ना शिवम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, मैं तो फुल मैनेज कर रहा हूँ, अब आपका सपोर्ट चाहिए बिल्कुल। यहाँ बच्चे भी बोल रहे हैं सब्सक्राइब करें, हम बड़े भी बोल देते हैं हाँ सब्सक्राइब करना है गाइस, सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी बात है, और लाइक शेयर, लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, व्यूज आ जाते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करते बंदे, और जो कहते हैं उनको थैंक यू। तो चलते हैं बस में बैठ। सो फाइनली गाइस, हम 15 मिनट चलने के बाद, लगभग एक वन किलोमीटर चलने के बाद अपनी बसेस के पास पहुंच गए हैं, और अभी चलते हैं। आज का कोटा यहीं पे ख़त्म होता है घूमने का, और हम निकलेंगे अब सीधा अपने होटल्स की ओर। तो अब आपको सीधा होटल में मिलते हैं, और रात को बोल रहे हैं कि डीजे भी है होटल में, अब पता नहीं है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, और काश ये सच हो तो अच्छा है, और झूठ हो तो बुरी बात है, प्लीज़ काश हो जाए डीजे, तो अब मिलते हैं आपको रास्ते में, रास्ते में सॉरी होटल आ गया हूँ आज। सो गाइस अभी हम दूसरी लोकेशन पे आए हैं, जो कि क्या नाम है इसका, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियाँ खूब बोलो, खूब बोलो, मेरे को कंटेंट दो बस। अब इसकी हम कहानी बताते हैं, एक बंदा एक बंदा एक बंदा एक बंदा, बोल कहानी स्टार्ट कर, पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं ना, हिस्ट्री क्या हिस्ट्री, चल गए का स्टार्ट हो जाए। यहाँ का एक फन फैक्ट, सबसे पहले फन फैक्ट बताता हूँ, तो यहाँ का फन फैक्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी, अरे ओवर एक्टिंग हो रही है थोड़ी, थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है भाई, 100 लाइक कट गए ओवर एक्टिंग, नहीं स्टार्टिंग से हिस्ट्री कहीं का शुरू हो जा, हिस्ट्री से जल्दी 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 जल्दी। तो 18वीं शताब्दी में राजा ने अपनी बेटी के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी, हाँ ये करीब 300 साल पुरानी बात है। तो जो राजा की बेटी थी उसको जो था बारिश पसंद थी, ठीक है, तो 12 महीने तो बारिश हो नहीं सकती है, ये है राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान है, इसलिए उसने हर जगह जगह पर फाउंटेन्स लगवाए थे, तो पावर सोर्स तो कोई था नहीं 300 साल पहले, तो ये सारे जो भी फाउंटेन्स है वो ग्रेविटी की यूज से चलते हैं। ओके बस दैट्स इट, अरे आगे भी तो बनाना है, कट करके बनाना, ये है नहीं नहीं, एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया, कट कुट वाला सीन ही नहीं रखा है वो भाई, सच्ची है नहीं, नहाने का मन कर रहा है, वाह यार बढ़िया, फाउंटेन्स तो अच्छे हैं, बिन बादल बरसात गाइस।
वाह यार हमारी टिकट गिर गई। ओए देखो इनको, देखो उनको पानी कैसे पी रहे हैं, देख कौन है? अरे पानी पी रहे हैं। गोरे भाई मजा आ रहा है सच बताऊं तो। मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। वर्थ इट है ये तो, 20 रुपीज का वर्थ इट है ना? अच्छा ना, जटनो भी ले लो। जट आगे फिर इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मिलते हैं day 3 वाले ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम थोड़ी ट्रैवलिंग भी करेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया भी देखेंगे, विजिट करेंगे, फैक्ट्रीज वगैरह देखेंगे। तो उनका सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल को, और लाइक जरूर करना, कमेंट भी कर ही देना। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। तो फिर खाना खाना खाते हैं, अभी जुड़ना हुआ है, खत्म हो गया मेरा ब्लॉग तो। अच्छा खाना नहीं हुआ है, खाना तो हो ही जाएगा, अरे ब्लॉग बंद ही नहीं हुआ। बॉस डॉग लड़के बात कर तमीज से, इनवॉइस लाखों के 2019 से, बड़ी बातें वड़ा पाव खाते लौंडे फीके। डेढ़ हफ्ते पहले भाई सोल्ड आउट शो मार के आया था, तो कहा गया लौंडा 11 भाई 2 हफ्ते चिल मारेंगे।